दिल्ली के आसमान में सुबह बादलों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य ग्रहण नहीं देख पा रहे थे। सूर्य ग्रहण देखने के इच्छुक पीएम मोदी को लाइव स्ट्रीम के जरिए कोझिकोड और अन्य हिस्सों से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें देखनी पड़ी। अपने अनुभव की प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की, जिनमें वे सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि कई भारतीयों की तरह मैं भी सूर्य ग्रहण देखने के लिए उत्सुक था। दुर्भाग्यवश बादल छाए होने के कारण मैं सूर्य ग्रहण नहीं देख सका, लेकिन मैंने लाइव स्ट्रीम के जरिए कोझिकोड और अन्य हिस्सों में सूर्य ग्रहण की झलक देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने विशेषज्ञों से बात कर इस विषय पर अपना ज्ञान वर्धन किया। थोड़ी देर बाद ही पीएम मोदी की उस तस्वीर को एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया, जिसमें वो सूर्य की तरफ देख रहे हैं और कहा कि ये तस्वीर मीम बन रही है। तो मोदी ने इस बात को मजाक में लेते हुए कहा कि आपका स्वागत है, आनंद लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्य ग्रहण देखने वाली तस्वीर का पीछा सोशल मीडिया यूं ही नहीं छोड़ने वाला था। पीएम मोदी अपनी सूर्य ग्रहण देखने वाली तस्वीर को लेकर ट्रोल होने लगे। सबसे ज्यादा विवाद उनके चश्मे को लेकर हो रहा है। सोशल मीडिया ने उनके चश्मे के दाम से लेकर उसके ब्रांड तक की खोज शुरू कर दी। ट्विटर के कई यूजर ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने जिस चश्मे को पहना है उसकी कीमत 1.5 लाख है और पीएम मोदी द्वारा पहना गया चश्मा विदेशी कंपनी मेबैक आईवीआर का है। ये जर्मनी की कंपनी है। मेबैक आईवीआर दुनिया के सबसे महंगे आईवीआर कंपनियों में से एक है। एक यूजर ने लिखा, 1.5 लाख का चश्मा पहनने वाले फकीर से मिले हैं आप लोग। 2019 के आखिरी सूर्य ग्रहण को दिल्लीवासी कोहरे के कारण नहीं देख पाए, लेकिन उड़ीसा, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों से आंशिक ग्रहण दिखाई दिया।